आज इसी प्रचार प्रसार का प्रतिफल है आप सब अयोध्या आए हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महावीर स्वामी दीप आराधना महोत्सव की जय। भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की पूर्व वेला में कार्यक्रम चल रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी और लगभग 1800 दिगंबर जैन साधु साध्वियों में सबसे प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी हैं और इनका 71वां चातुर्मास अयोध्या तीर्थ पर चल रहा है। अभी एक सप्ताह पूर्व ही सभी देशवासियों ने मिलकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 90वां जन्म दिवस और 72वां संयम दिवस शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर को मनाया और अब दीपावली पर्व से पहले भगवान महावीर के स्तोत्र को पढ़कर दीप आराधना महोत्सव किया जा रहा है। आप सबको बताना है कि वैसे तो हर साल दीपावली मनाते हैं, खूब दीप जलाते हैं, भगवान महावीर का निर्वाण लाडू भी चढ़ाते हैं, लेकिन इस वर्ष ये दीपावली पर्व कुछ विशेष होगा। क्यों होगा आपको मालूम है? क्योंकि भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आ रहा है। समाज और सरकार दोनों मिलकर के इस महोत्सव को मना करके और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर का नाम, 2400 तीर्थंकर भगवान के परिचय, जैन धर्म की प्राचीनता, अनादि निधनता आदि का ज्ञान पूरी दुनिया को कराना है। इसी संदर्भ में पूज्य माता जी सभी समाज को प्रेरणा देती हैं कि आप इस वर्ष 13 नवंबर को जब दीपावली मनाए, अपनी दीपावली क्या है, 13 नवंबर, क्योंकि 13 नवंबर को कार्तिक कृष्ण अमावस है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस दिन महावीर स्वामी मोक्ष गए प्रातःकाल की मंगल वेला में, तब लोग निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं और सायंकाल में खूब दीप मालिका जलाते हैं। सायंकाल में भगवान महावीर के प्रमुख गणधर श्री गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, तो सायंकाल में गौतम गणधर भगवान की, केवल ज्ञान महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आप सब लोगों को भी करना है, सायंकाल में 6 बजे से ही ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा, क्योंकि अब जल्दी रात्रि हो जाती है, तो आप सबको 6 बजे से ही सरस्वती लक्ष्मी गणधर भगवान, इनकी आराधना, इनकी पूजा और बही पूजन आदि की परंपरा को रखना है। और हर घर से इस बार 2550 दीपक जलना है, समझेगा? आप 100, 200 या 500 दीपक जला लेते हैं, लेकिन इस बार चूंकि 2550वां है तो 2550 दीपक जलाना। अब प्रश्न है 2550 दीपक कहाँ जलाएं? तो घर से लेकर मंदिर तक और पूरे बाजार के अंदर दीपकों की सीरीज लगाएं। जब एक घर से 2550 निकलेंगे तो हर घर के मिलाकर के हजारों लाखों दीप जल जाएंगे और नगर निवासियों को बताना है कि हमारे भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव हुआ था, तब इंद्रों ने, देवताओं ने आकर असंख्यात दीप जलाए थे धरती पर, समझे क्या? क्योंकि अंधियारी रात थी और खूब असंख्यातों दीप जलाए गए। तो आप कम से कम इस बार 2550 दीपक जरूर जलाना। अपने अपने मंदिरों में जल मंदिर
बनाना, जल मंदिर पावापुरी की रचना, जहाँ से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। जो लोग पावापुर जा सकते हैं, अधिक से अधिक लोग पावापुरी जाकर वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाएं। जो नहीं जा सकते तो अपने मंदिर में भी पावापुर की रचना बनाना और वहाँ भगवान महावीर को विराजमान करना, पूजा करना, निर्वाण लड्डू चढ़ाना। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समाज के कर्णधारों तक उस बात को पहुंचाएं और सब लोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, क्योंकि भगवान महावीर एक के नहीं जन जन के थे और वे तीर्थंकर परंपरा के उन्नायक थे। आज हम सब अयोध्या नगरी में उपस्थित हैं, पूज्य गणी ज्ञानमती माता के चरणों में उनकी छत्र छाया में बैठ करके अब आप सबको महावीर स्तोत्र के माध्यम से एक एक दीपक भगवान महावीर के चरणों में जलाना है। सभी ब्रह्मचारिणी बहनें ध्यान दें। तो कुछ लोग कोल्हापुर महाराष्ट्र से आए हैं और कुछ लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। हमारे शांति सागर महाराज की परंपरा के वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य हैं अनेकांत सागर महाराज। उनके परिवार से माता जी, उनके भाई बहन लोग भी आए हैं। तो आप सब लोग भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। हमारे सप्तम पट्टाचार्य महाराज जी आजकल नोएडा दिल्ली के निकट विराजमान है, वहाँ चातुर्मास चल रहा है। और आरिका सुभूषणमती माता जी अहमदाबाद के शाहपुरा मंदिर में हैं। उन सबको स्मरण करते हुए, नमोस्तु वंदामी करते हुए, और आज आप सब पूज्य माता जी के, सबसे बड़ी माता जी जो हैं, इनके चरणों में उपस्थित हैं। तो ये पुण्य लाभ लीजिए। एक एक जने, दो दो तीन तीन जने, केवल 9 दीप जलने हैं। उन 9 दीपकों में ब्रह्मचारिणी दीदी लोगों के साथ में आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। जलो महावीर भगवान की जय। पूज्य गणी ज्ञानमती माता के द्वारा रचित आज हम वीर जिन स्तोत्र का पाठ करते हैं। 3 दिन तक हमने महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ा था, अब वीर जिन स्तोत्र को पढ़ेंगे। सबके पास व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीर जिन स्तोत्र का PDF पहुंचा है, आप सब लोग भी उसको पढ़िएगा। सिद्धि वधु प्रिय नाथ जिनेश्वर वीर महागुण रत्न सुराशे कुंडलपुरी त्रिशिला जननी बहु पुण्यवती सुर वृंद नुतासित मंगल दम भुवि हर्ष करम जिन गर्म बवाप सुचोषित सष्ट्याम सन्मति देव सदा मम सन्मते भवता प्रणमामि मुदा त्वाम् सन्मति देव सदा मम सन्मतये भवता प्रणमामि मुदा त्वाम्। ओम रीम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामीति चैत्र सीतिया जिन जनी रभवत सात्रय युक्त दशम दिवसे वै देव सुरेन्द्र ही सुरगिरि शिखरे जन्म महोत्सव विधि रविनीतः माघ सुकृष्णे दशमित दिवसे रत्न महाव्रत गुण विध्रस्तम भूय प्रसर्गम भवति विहिता ध्यान रतो नहीं विचलित चित्ता। ओम रेम विश्व शांति कराय श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति घाति विघाति केवल बोधा स्फुरिते सकल भुवि निज रविरुदिता माधव मासे शुक्ल दशम्याम त्रिभुवन मिदमिति करतल फलवत श्रावणे आते गिस्तव दिव्या भविजन हृदय कमल मुदम करोत आयुर्भूदा सप्तति वर्षास तो जिन वर मम भव शिव गते। ओम रीम विश्व शांति कराय
तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। कार्तिक मासे शिवपदे मगमत कृष्ण चतुर्दश दिवस निशान्ते तीर्थ सुपावा पुरमिह वणितम सप्तिकरोचित इति कनिकावा। बालेस्तम जिनवर चरमो मृत जयी खलु मृगपति चिन्ना नौम्यति वीरम शमदम कथकम वीर मनन्ते मतुल सुख रासिम। नौम्यति वीरम शमदम कथकम वीर मनन्ते मतुल सुख राशिम। ओम रिम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः दीपम निर्पामीति सदिति वादः सुवचनमृतम तेजिन संस्रते गदमपहर्त्री मारिजयी त्वं हरमदि हरणो नाथ सुवंशति लकीय लोके। ज्ञानमती श्री झटति भव तुम्हें भक्ति वशात मुनि गले वंद्या सात्मज सिद्धिर ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमलास्या। सात्मज सिद्धिर ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमलासा। ओम रिम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः दीपम निर्पामीति श्रिया विवृद्धा खलु वर्धमानः श्री मुक्ति लक्ष्म्या भुवनादिनाथा सर्वार्थ सिद्धा कृत कृत सिद्धा ताम नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। ताम नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। ताम नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। ओम रिम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः दीपम निर्पामीति वर्धमानो महावीरः श्रीमान सिद्धार्थ नंदनः तत्संस्तुते स्मृतिश्चापि विघ्नौघा प्रलयं व्रजेत्। ओम रिम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः दीपम निर्पामीति जी आद वीर जिनेन्द्रस्य शासनम जिन शासनम प्रभवित वर्धमानस्य धर्मचक्रम सदा भुवि। ओम रिम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः दीपम निर्पामीति स्वाहा। यावत् जैनेन्द्र धर्मोयम् प्रभवेद् भुवि शांतिकृत तावत् स्तोत्रमिदं स्थेयात् भव्यां भोजं विकासयन्। ओम रिम विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः दीपम निरुपामीति स्वाहा। जलो महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। अब आप लोग बैठ जाइएगा। सबको जान लेना है कि जहाँ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ वहीं भगवान महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ। कहाँ हुआ था? कुंडलपुर में। कौन सी आरती पढ़ते हैं आप? ओम जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो कुंडलपुर अवतारी कुंडलपुर अवतारी त्रिशिलानंद विभो। हम जय हर एक व्यक्ति के जवान पर ये आरती बैठी रहती है। कहीं भी किसी भी तीर्थ पर जाकर जहाँ भी महावीर भगवान की
आरती करते हैं वहाँ यही शब्द प्रस्फुटित होते हैं। तो ऐसे कुंडलपुर को हम नमन करते हैं जो वर्तमान में बिहार प्रांत के अंदर नालंदा जिले में है। आप लोगों में से कितने लोग कुंडलपुर गए हैं? सब लोग अभी होकर के आ रहे हैं, क्योंकि जो सब मेघ शिखर जाते हैं वो कुंडलपुर भी जाते हैं, पावापुर भी गए होंगे। कुंडलपुर जन्मस्थली और पावापुर मोक्ष स्थली, और राजग्रही में क्या हुआ? भगवान की प्रथम देशना। जब 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो वहां राजग्रही के विपुलाचल पर्वत पर इंद्रभूति गौतम आए, उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की और भगवान के गणधर बन गए, बस भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई। ऐसे गौतम गणधर भगवान के लिए भी बारंबार नमन है, जब लोग गौतम गणधर भगवान की जय। तो उन भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आ रहा है, उसके संदर्भ में अभी आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के भी मंगल प्रवचन सुनेंगे। एक बार सब लोग मिलकर के बोले, जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते हैं, जो जीते युद्ध में शत्रु उसे रणवीर कहते, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर कहते हैं, जितावे युद्ध में शत्रु उसे शमशीर। शमशीर माने तलवार, जो तलवार युद्ध में जिताती है उसे कहते हैं शमशीर। बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर कहते हैं, बचावे लाज सतियों की उसे रघुवीर। कहाँ जन्मे थे वो? वो तो अयोध्या में जन्मे। जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है उसे महावीर कहते हैं, जो पावापुर से शिव पाया उसे महावीर कहते हैं, जो पावापुर से शिव पाया उसे महावीर कहते हैं। तो अपने को कुंडलपुर और पावापुर दोनों को याद रखना है। भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या में जन्म लिया और मोक्ष कहाँ से गए? कैलाश पर्वत से। वो कैलाश पर्वत आज धरती पर भारत की धरती में नहीं है, कभी वो भारत में ही था, अभी चीन की सीमा में चला गया, क्योंकि भारत के कई टुकड़े हो गए तो हमारा भारत देश आज सीमा में छोटा हो गया। ऐसे भगवान ऋषभ देव की धरती अयोध्या में आप सब आए हैं। आप अयोध्या में कितने लोग पहली बार आए हैं, जरा हाथ उठाना। सारे के सारे, माने कुंडलपुर तो सब गए लेकिन अयोध्या में पहली बार आए हैं। तो इसका कारण यह है कि ज्ञानमती माता जी अब अयोध्या आई तो पूरे देश के अंदर अयोध्या का शोर मचा हुआ है ना। अयोध्या का अब शोर मचा है भाई, तब मन होता है जाएं देखें अयोध्या में क्या है। अयोध्या के अंदर ऋषभ देव भगवान ने जन्म लिया, भरत सम्राट चक्रवर्ती ने जन्म लिया जो उनके पुत्र थे, और दोनों का जन्मदिन चैत वैद्य नवमी को ही आता है, और अयोध्या से ही उन्होंने 6 खंड की पृथ्वी का संचालन किया। तो ऐसी अयोध्या नगरी, यहाँ भरत चक्रवर्ती की मूर्ति विराजमान हो गई, अभी उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 30-24 ही मंदिर बन रहा है, 3 लोक की रचना बन रही है, और बन रहा है 101 पुत्रों का मंदिर जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र से थे और उसी जन्म में दीक्षा धारण करके मोक्ष चले गए थे। ऐसी रचनाएं आपको सब जगह नहीं मिलेंगी, और आगे जब आएंगे तो एक और सर्वतोभद्र महल बनता हुआ दिखेगा आपको, जहां भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया था। ऐसे तीर्थ से बैठ करके हम भगवान महावीर का स्मरण कर रहे हैं। ये 2550वां आने वाला वीर निर्वाण महोत्सव खूब सबके लिए मंगलमय हो, और आप अपने अपने नगरों में खूब व्यापक
स्तर पर अखबारों में न्यूज़ दे करके, जनता को इकट्ठा करके, सामूहिक रूप में जल मंदिर बना करके, पावापुरी की रचना के समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ा करके और ये दीपावली पर्व 2550 दीपकों को जला करके मनाएं, ताकि आप सबके जीवन में, आपके घरों में ऐसी रोशनी भर जाए कि वो सालों साल आपके हृदय को आह्लादित करती रहे। ऐसे भगवान महावीर के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता से प्रार्थना है, आए हुए सभी भक्तों को और पारस चैनल जूम चैनल में उपस्थित भक्तों को अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करें। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्वसे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। भव्यात्माओं, ये निश्चित है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ और जय धवला आदि ग्रंथों में, अपने पुराण ग्रंथों में कुंडलपुर का ही वर्णन है। आप ध्यान में रखेंगे, दिगंबर जैन समाज में मैं समझती हूँ कि 95 से भी अधिक प्रतिशत लोग कुंडलपुर को ही जन्मभूमि मानते हैं। परंपरा से वही चली आ रही है। कुछ लोगों ने वैशाली को जन्मभूमि कह दिया। आप ध्यान रखेंगे, वैशाली राजा चेतक की राजधानी थी और माता त्रिशला की जन्मभूमि। तीर्थंकर कभी ननिहाल में नहीं जन्मते हैं, समझे? तीर्थंकर कभी नाना के यहाँ नहीं जन्म लेते हैं, अपने पिता के घर में ही जन्म लेते हैं। माता के आंगन में ही 15 महीने रत्न बरसते हैं। रत्न कहाँ बरसते हैं 15 महीने? 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ रत्न बरसे हैं प्रतिदिन। कहाँ बरसे हैं? माता के आंगन में, रत्ना नंदावर्त महल में, समझे? यहाँ अयोध्या में कभी सरतोभद्र महल था। सरतोभद्र महल अभी यहाँ बनेगा। सरतोभद्र महल में आंगन में रत्न बरसे थे और महावीर स्वामी के कुंडलपुर में नंद्यावर्त महल था। नंद्यावर्त 7 मंजिल ऊंचा, रत्नों के दीप जगमगा रहे थे जहाँ। सब दिव्य रत्नमयी रचना और देवों ने जहाँ नगरी को स्वर्ग के समान सजाया था, कुबेर ने जहाँ नगरी को रत्न स्वर्गपुरी के समान बहुत सुंदर बनाई थी, ऐसे कुंडलपुर नगरी में भगवान महावीर जन्मे हैं। मध्यात्माओं, और वहीं पर बाल क्रीड़ा आदि उनकी सब व्यतीत हुई हैं और भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया। ध्यान रखें, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। 5 है ना? मल्लीनाथ, वासुपुज भगवान, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं दिगंबर जैन परंपरा में। श्वेतांबर जैन परंपरा में भगवान महावीर का विवाह भी मान लिया है। ध्यान रखें ये अंतर, ये भेद। और आप लोग बाल ब्रह्मचारी ही मान करके भगवान का जन्मोत्सव आदि मनाएंगे और अभी निर्वाणोत्सव मनाएंगे। दिगंबर जैन ग्रंथ के अनुसार ही भगवान महावीर का जीवन परिचय पढ़ें, सुनें, समझें, इस बात को ध्यान में रखें। बात यही है कि अयोध्या को आप लोग सब क्यों भूल गए, इसका कारण क्या है? या तो हम कहें काल का दोष। अरे जो आदि है, अनादि है, शाश्वत है, और जहाँ ऋषभदेव आदि जन्मे हैं, 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, उसको मद्देनजर कर देना, उसको भुलाना, ये एक समझ लीजिए क्या जनता के कर्म का ही उदय समझना चाहिए। बात यही है कि हम प्रायः सभी जन्मभूमियों को भूले हुए हैं। मैंने आज से
30 वर्ष पूर्व इसका अभियान उठाया कि जन्मभूमियों की वंदना करना, जन्मभूमियों में विकास होना, और हमारी जन्मभूमि महोत्सव समिति भी बनाई गई, जन्मभूमि विकास समिति भी बनाई गई। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने अनेकों तीर्थों का विकास किया है और कुछ और भव्यात्माओं ने भी किया है। वाराणसी स्वयं में समृद्ध है, सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है, सब लोग जानते हैं, और उसी के पास सारनाथ है, शिवपुरी सारनाथ भगवान की जन्मभूमि है, और पास में ही चंद्रपुरी है और चंदापुर भगवान की जन्मभूमि है। वो तो बिल्कुल वीरान सी हो रही चंदापुर की जन्मभूमि आज भी जो है उसकी अवस्था का विशेष, उसका जीर्णोद्धार विकास होना ही चाहिए। जो भी है, कुल मिलाकर इस बात को ध्यान में रखें, जन्मभूमि की वंदना सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले भाई बात है, हमने जहाँ जन्म लिया इधर इलाके में, तो हमने सबसे पहले यही तीर्थ पाया, सबसे पहले यही तीर्थ पाया, और इसी तीर्थ पर आने जाने का कार्यक्रम करने का, कराने का, देखने का, बचपन में यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते थे, बच्चों से कराए जाते थे, उसमें भी भाग लिया हमने, बचपन में कार्यक्रम भी किए हैं, छोटे बन में यहाँ आकर खाए खेले हैं। तो बात यही है, यहाँ ऋषभ जन्म जयंती हमेशा हमेशा मनाई गई, ऋषभ जयंती हमेशा हमेशा मनाई गई, ध्यान रखें। कब से चली आई, मैं पूछती थी अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, दादा बाबा से, कहते थे हमेशा हमेशा से आई है बेटे, ये तो शुरू से चली आ रही है, जब से भगवान जन्मे तब से चली आ रही है। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कब से जन्म जयंती, यहाँ चैत बदी नवमी को हमेशा हमेशा मेला भरता रहा है, कार्यक्रम होता रहा है। चैत बदी नवमी को भगवान का जन्म है और चैत सुदी नवमी को श्री राम का जन्म है। तो पहले आती है ऋषभ जन्म, ऋषभ की नवमी, ऋषभ जन्मभूमि नवमी, और फिर आती है राम की नवमी। तो बात यही है, और हम और आप इस बात को समझें, हमें अच्छा लगता है आज जब लोग जन्मभूमि की वंदना के लिए निकलते हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी बार बार आह्वान करते हैं, बार बार कहते हैं कि आप लोग पहले जन्मभूमि की वंदना अवश्य करो, तो सब लोग करते हैं। तो ये आपकी जन्मभूमि की वंदना आपके जीवन में मंगलमय हो, और अपनी जन्मभूमि की वंदना किसने करना, अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करने के लिए, बार बार हमको जन्म मरण ना करना पड़े, समझे, 84 लाख योनियों में बार बार जन्म ना लेना पड़े, इसीलिए जन्मभूमि की वंदना करके हम अपने जीवन को, जन्म को सफल करें, जीवन को, जन्म को धन्य करें, समझे। तो जन्मभूमि की वंदना आपकी मंगलमय हो, और आप लोग अपने जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी धर्म की उन्नति वृद्धि करते रहें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।